नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने वही बोला जिसकी उम्मीद थी। संयुक्त राष्ट्र के मंच से सुषमा ने पाकिस्तान को जमकर धोया, खासकर आतंकवाद के मुद्दे पर। सुषमा ने पाकिस्तान के एक एक झूठ को बेनकाब किया। आइए आपको सुनाते हैं सुषमा स्वराज का पूरा भाषण। नमस्कार सभापति जी, सबसे पहले तो मैं विदेश मंत्री लाइचेक को UNGA के 72वें सत्र के सभापति चुने जाने के लिए अपनी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ। हमारे लिए ये गर्व और प्रसन्नता का विषय है कि हम विदेश मंत्रियों में से ही एक विदेश मंत्री आज इस उच्च आसन के लिए चुना गया है। सभापति जी, मैंने पिछले वर्ष भी सभा को संबोधित किया था। इस एक वर्ष के अंतराल में संयुक्त राष्ट्र में और दुनिया में अनेक परिवर्तन हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव चुने गए हैं और वो संयुक्त राष्ट्र को एक सशक्त संस्था बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों का हम स्वागत करते हैं और उन्हें परिवर्तन के एक पुरोधा के रूप में देखते हैं। सभापति जी, आज का विश्व अनेक संकटों से ग्रस्त है। हिंसा की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, आतंकवादी विचारधारा आग की तरह फैल रही है, जलवायु परिवर्तन की चुनौती हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है, समुद्री सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, विभिन्न कारणों से अपने देशों से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा है, बेरोजगारी से त्रस्त युवा अधीर हो रहा है और पक्षपात से पीड़ित महिलाएं समान अधिकारों की मांग कर रही हैं। परमाणु प्रसार यानी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का विषय पुनः सिर उठा रहा है और साइबर सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। इन संकटों में से बहुत से संकटों का समाधान करने के लिए हमने वर्ष 2015 में वर्ष 2030 तक का एजेंडा तय किया था। उसके 2 वर्ष बीत गए, 13 वर्ष बाकी हैं। यदि 13 वर्षों में वास्तव में हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो यथास्थिति से बाहर निकलना होगा। यथास्थिति बनाए रखते हुए हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते और इसलिए हमें अपने निर्णय प्रक्रिया में तेजी लानी होगी और कठोर फैसलों का साहस जुटाना होगा। संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के असली चेहरे से पर्दा हटा दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हर मुद्दे पर पाकिस्तान को आईना दिखाया, अंतर्राष्ट्रीय मंच से टेररिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि हम IIT और IIM बनाते हैं और पाकिस्तान लश्कर, हिजबुल और जैश ए मोहम्मद तैयार करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर सधे कदमों से आती हुई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जब भाषण की शुरुआत की तो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कुछ मिनट के लिए राहत की सांस ली होगी, क्योंकि शांति और विकास भारत की प्राथमिकता है और विदेश मंत्री ने पहले इसी पर बात की। हमें अपने निर्णय प्रक्रिया में तेजी लानी होगी और कठोर फैसलों का साहस जुटाना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि भारत ने इस संदर्भ में बहुत अभिनव पहल की है, बड़े बड़े साहसिक निर्णय लिए हैं और टिकाऊ विकास के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए अनेक योजनाएं बनाई हैं। गरीबी को दूर करना टिकाऊ विकास का पहला लक्ष्य है। लेकिन जब मुद्दा आतंकवाद का आया तो सुषमा स्वराज ने एक के बाद एक पाकिस्तान की आतंकी साजिशों, आतंकी संगठनों, द्विपक्षीय रिश्तों के फरेब और झूठे दावों का पिटारा खोल दिया और पाकिस्तान को उसकी पहचान बता दी। भारत और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत की पहचान दुनिया भर में एक IT के सुपर पावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है। संयुक्त राष्ट्र के इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत पर कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया था। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान की नापाक नीयत और दागदार हकीकत को पूरी दुनिया के सामने रख दिया।
हम तो गरीबी से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे लड़ रहा है। परसों इसी मंच से बोलते हुए पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने भारत पर तरह तरह के इल्जाम लगाए, जो मुल्क हैवानियत की हदें पार करके सैकड़ों बेगुनाहों को मौत के घाट उतरवाता है, वो यहाँ खड़ा होकर हमें इंसानियत का सबक सिखा रहा था, हमें मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहा था। आतंक को लेकर रटे रटाए जुमलों के साथ पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये दांव पाकिस्तान पर उल्टा पड़ा। Having suffered and sacrificed so much due to our role in the global counter-terrorism campaign, it is especially galling for Pakistan to be blamed for the military or political stalemate in Afghanistan. We are not prepared to be anyone's scapegoat. Taliban safe havens are located not in Pakistan but in the large tracts of territory controlled by the Taliban in Afghanistan. Aapka jihadi sangathan keval Bharat ke logon ko nahi maar raha, wo hamare padosi desh Afghanistan aur Bangladesh ke logon ko bhi maar raha hai, wo bhi unki girft mein hai। सभापति जी, यूएनजीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी देश ने शाम को राइट टू रिप्लाई मांगा हो और एक साथ उसे तीन तीन लोगों को स्पष्टीकरण देना पड़ा हो, तीन तीन देशों को जवाब देना पड़ा हो। ये अकेला तथ्य पाकिस्तान की करतूत को दर्शाता है। पाकिस्तान के जन्म से लेकर टेररिस्तान बनने तक के सफर का खुलासा करते हुए सुषमा स्वराज ने साबित कर दिया कि हर बार दोस्ती के बड़े हुए हिंदुस्तान के हाथ को पाकिस्तान ने झटक दिया है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को शांति और दोस्ती की विदेश नीति विरासत में दी थी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने शांति और दोस्ती की नीति विरासत में दी या नहीं थी, ये तो इतिहास बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शांति और दोस्ती की नीयत जरूर दिखाई थी। कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग, बायलैटरल शब्द सोच समझ कर डाला गया था ताकि कोई संदेह, कोई शक शुबा, कोई डाउट रह ना जाए और यह निश्चित हो जाए कि बातचीत केवल दोनों देशों के बीच में होनी है, किसी तीसरे की मदद लेकर नहीं। लेकिन वो सिलसिला आगे क्यों नहीं बढ़ा, इसके लिए भी अब्बासी साहब जवाबदेह आप हैं, मैं नहीं। भारत संयुक्त राष्ट्र के मंच पर आतंक को लेकर चिंता पहले भी जताता रहा है, लेकिन अब आतंक और पाकिस्तान एक दूसरे के पर्याय बनते जा रहे हैं और इसलिए विदेश मंत्री के भाषण में पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल इस बार सबसे ज्यादा हुआ। 2015 के भाषण में पाकिस्तान का जिक्र बस 3 बार था, वहीं इस बार के भाषण में पाकिस्तान और आतंक का नाम 15 और 17 बार लिया गया। आतंक को लेकर सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों से इस मुद्दे पर संकल्प की रस्म अदायगी से आगे बढ़ने की अपील की। हम सभी देश बायलैटरल डिस्कशंस में, द्विपक्षीय वार्ताओं में, मल्टीलैटरल फोरम्स में, बहुपक्षीय मंचों से जब भी संयुक्त वक्तव्य जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हैं तो सभी में आतंकवाद की भत्सना करते हैं और उससे लड़ने की एकजुटता का संकल्प भी लेते हैं, किंतु सच्चाई ये है कि एक रस्म बन गई है जिसे हम निभा देते हैं, किंतु वास्तव में जब उस संकल्प को पूरा करने का समय आता है तो कुछ देश अपने अपने हितों को सामने रखकर फैसले लेते हैं। सीसीआईटी की सभी धाराओं पर सहमति बन गई, अगर नहीं बनी सहमति तो एक धारा पर, और वो है आतंकवाद की परिभाषा। मैं कहना चाहूंगी परिभाषा ही तो जड़ है जिसमें से अच्छे और बुरे आतंकवादी का अंतर निकलता है। अगर परिभाषा पर एक राय नहीं बनेगी तो हम एकजुट होकर कैसे लड़ेंगे? अगर मेरे और तेरे आतंकवादी की दृष्टि अलग अलग हो जाएगी तो हम एकजुट होकर कैसे लड़ेंगे? भारत में आतंकियों की खेप भेजने वाला पाकिस्तान खुद को आतंक पीड़ित देश बताकर भारत के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाने की कूटनीतिक चाल चल रहा था, लेकिन इस बार भी संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हुई। उन्होंने ये सब मुद्दों को छेड़ते हुए फिर बात की पाकिस्तान की और जवाब दिया उन आरोपों का जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद अब्बासी ने भारत पे लगाए थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर एक बायलैटरल उन दोनों देशों का मुद्दा है, इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और भारत
को आजादी एक ही समय पे मिली थी, पर ऐसा क्यों है कि भारत में आज IIMs और IITs हैं बल्कि और पाकिस्तान में LETs और जैश मोहम्मद जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, और शायद पाकिस्तान को ये जो पैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे लगा रहा है, पाकिस्तान को वो पैसा लगाना चाहिए अपने देश के विकास पर। न्यूयॉर्क में प्रेरणा ठाकुर देसाई, आज तक के लिए।